तो ये कछुआ होता है एक, और ये पानी में भी जिंदा रह सकता है और सरफेस पे भी जिंदा रह सकता है। तो हे हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग यार, स्वागत है आप लोगों का आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड में। तो गाइस अभी हम खेल रहे हैं एआर के, और गाइस अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें करेंगे, जैसे कि जो अभी हम गेम खेल रहे हैं इसका नाम वैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, इसको आर्क सर्वाइवल इवॉल्व्ड बोलते हैं, और इसको बहुत सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स भी खेल रहे हैं। ये भी एक सर्वाइवल गेम्स है, इसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है करने के लिए। और इसमें अभी जो मैप हम खेल रहे हैं उसका नाम है आइसलैंड। इसमें अलग अलग तरीके के मैप होते हैं और मोड भी होते हैं वैसे इसमें, बट हम फोर मोड खेल रहे हैं, मतलब इसमें ज़्यादा मोड नहीं है। और ये सर्वर थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि गाइज ये गेम जो बहुत टफ है और बहुत ही लंबा गेम है ये, और इसको कंप्लीट करने में मैंने सुना है कि भाई एक एक साल लग जाता है। तो वैसे हम इतना टाइम नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा जल्दी ही इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो गाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये वाला गेम। तो इसको स्टार्ट करने के लिए पहले तो हमें चीज़ें उठानी पड़ेंगी। तो गाइज ये वाला जो प्लेयर है ना हमारा सर्वाइवल का, तो इसका हम FPP में भी कर सकते हैं और इसको TPP में भी कर सकते हैं, यानी थर्ड पर्सन में भी और फर्स्ट पर्सन में भी, दोनों में ही इसको हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। और अभी हम थोड़ी सी चीज़ें निकाल रहे हैं ज़मीन से, तो अभी हमें थोड़ी बेरीज और थोड़ा सा फाइबर चाहिए। तो आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, जो जो चीज़ मैं निकालूंगा वो चीज़ दिखती रहेगी, और मैं इसे मुक्के भी मार सकता हूँ भाई, बहुत बढ़िया यार। तो गाइस अभी हमें थोड़ा सा लकड़ी चाहिए, क्योंकि हमें दो चीज़ें बनानी होंगी। सबसे पहले मैं ज़रा एक बार अपने इनग्राम्स देखता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक कैंप फायर चाहिए, ठीक है। तो ये कैंप फायर हमारी खुल गई। फिर एक स्टोन हैचेट चाहिए, कुल्हाड़ी जैसे कि चाहिए, और एक स्पेयर चाहिए होगा हमें। ये स्पेयर हमारा काम आएगा उसके लिए, क्या बोलते हैं, किसी को मारने के लिए। और अभी तो हम लेवल हमारा कम है, तो अभी हम इन्हीं चीज़ों से काम चलाएंगे। तो अपने क्लोथ्स वगैरह भी ओपन कर लेता हूँ मैं। तो ये फाइबर वाले क्लोथ्स हैं, ये ईजीली बन जाएंगे हमारे, तो खोल लेता हूँ मैं इनको। तो चलो अभी हमें थोड़ा हमें हैचेट और एक पिकेक्स बनाना है। तो ये रहा पिकेक्स और ये रहा हैचेट। तो हमें पिकेक्स के लिए चाहिए स्टोन, तो हमारे पास है, थैच चाहिए और वुड चाहिए। तो चलो भाई थैच और वुड के लिए हमें यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। तो ये आई थिंक ये क्या, ये उठा नहीं सकता। अच्छा ये वाला, अच्छा इसको तोड़ सकता हूँ मैं मुक्कों से। ओ भाई कितना खून निकल रहा है यार, हद है। तो मुझे थैच मिल रहा है भाई, ओके मुझे वुड भी मिल गया और थैच भी मिल गया, ओके। तो मुझे कितना मिला है, तो भाई ओके बन सकती है, तो मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये बन जाएगी। और मैं फाइबर के कपड़े भी बना लेता हूँ अपने लिए। वैसे मेरा कैरेक्टर अच्छा है यार, मतलब इसका देख रहे हो बॉडी, देख रहे हो भाई साहब क्या ज़बरदस्त लग रही है यार इसकी बॉडी, और ये इमोट्स भी करता है देखो, आ जाओ। अरे भाई बहुत बढ़िया। और गाइज ये क्या है भाई, ये कौन सा जानवर है, ओके वाइल्ड फीमेल, क्या नाम था इसका, चलो था। तो गाइज मुझे कुछ जानवरों के नाम पता है इस गेम में, और कुछ के नाम नहीं पता है, जैसे छोटे मोटे जो जानवर है मुझे उनके नाम बिल्कुल भी नहीं पता है। वैसे मैंने ये गेम खेला हुआ है थोड़ा सा, बट ज़्यादा नहीं खेला हुआ। और अब इसमें हम नए नए मैप भी ट्राई करेंगे, इसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैप है। और ये ओके इसको देख लेते हैं हम, ये कार्बोनेमिस, तो ये कार्बोनेमिस है, तो ये कछुआ होता है एक, और ये पानी में भी ज़िंदा रह सकता है और सरफेस पे भी ज़िंदा रह सकता है, और ये अटैक भी करता है अगर, वैसे तो ये पैसिव है। तो इसमें दो तरह के जानवर होते हैं, पैसिव और अग्रेसिव, ठीक है। तो ये पैसिव है और ये वाइल्ड फीमेल है 70 लेवल की, मतलब ये एक अच्छा लेवल है। वैसे इसमें हाईएस्ट लेवल डायनोस तो आई थिंक 150 है, और चलो देखेंगे बाकी। तो अभी हमें पिकेक्स बनाना था अपना, तो पिकेक्स हमारा बन गया है। एक हैचेट भी बना लेते हैं, तो हैचेट के लिए हमें फ्लिंट चाहिए। तो पहले तो कपड़े पहन लेता हूँ डबल क्लिक करके। अच्छा एक हैंड्स और फीट रह गया है, तो हैंड्स और फीट के लिए हाइट चाहिए मुझे, ओके ये हैंड्स और फीट के लिए हाइट चाहिए। तो हाइट मुझे मिलेगा डायनोस को मार के। तो सामने ड्रॉप आ रहा है नीचे, चलो ड्रॉप में भी चेक करेंगे हमें क्या मिल सकता है। वैसे गाइस ये सर्वर जो है थोड़ा सा OP है, और इस सर्वर में हमें बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें मिलेंगी, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी।
बट यार वो शायद दूर है, चलो ड्रॉप को बाद में देखेंगे, पहले हम अपना एक घर बनाते हैं। और गाइज मैं इसके आसपास अपना घर बनाने वाला हूँ। ये क्या है ऊपर, इसको आई थिंक टर्मिनल बोलते हैं। और टर्मिनल से क्या होता है कि आप टर्मिनल से दूसरे मैप में भी जा सकते हो। ओके देखो गाइज ये अग्रेसिव है, ये वाइल्ड डाइनो है, डिप्लोसोरस, वैसे कम लेवल का है बट ये मुझे मार भी सकता है। ठीक है तो यार ये एरिया एकदम परफेक्ट लग रहा है मुझे अपने घर के लिए, देखो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे तीन तीन बी हाइव भी हैं, मैं यहाँ पे अपना घर बना सकता हूँ यार, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे मेरा घर। देखो कितना मस्त एरिया, पीछे टर्मिनल भी है, पानी भी है, झरना भी बह रहा है, एकदम मस्त काम दिखेगा यार। तो मैं इधर ही अपना घर बनाऊंगा भाई। ये जगह यार ये देखो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है भाई क्या है यार ये भाई, हमें थोड़ा वीडियो बनाने दो यार। और गाइज अगर ये आप खड़े रहोगे ना, ये अटैक करता है आपके ऊपर, देखो अगर आप खड़े रहोगे, ओहो ये अटैक कर रहा है मुझे, बट तुझे मारने, मुझे मारने के लिए हिम्मत चाहिए बाबा, अपन सर्वाइवल गेम का हीरो है। तो देखो अरे यार ये ना इंक फेंक देता है आपके फेस पर, जिससे आपको ब्लाइंडनेस आ जाती है कुछ सेकंड के लिए, और वो नीचे आप देख सकते हो कितने सेकंड के लिए आती है, 5-6 सेकंड के लिए आती है। और इस ब्लाइंडनेस, ये ब्लाइंडनेस बहुत खतरनाक होती है, कभी कभार ये बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं जब ये झुंड में होते हैं। अबे ये कहां से पकड़ लाया। तो देखो गाइज ये झुंड में आ चुके हैं, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा कल्टी मारना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और गाइज आप इस गेम में जितना अंदर जाते रहोगे उतना ज़्यादा ये गेम जो आपके लिए बहुत बहुत और बहुत टफ होता जाएगा, मतलब और भी ज़्यादा वाइल्ड डायनोस जो है ना आते रहेंगे इसके अंदर। और भाई इसमें इतने ज़्यादा वाइल्ड डायनोस होते हैं ना कि क्या ही बताऊँ, मतलब आप मर भी सकते हो, समझ रहे हो ना। yes! चलो हमारा प्लेयर भी कह रहा है बिल्कुल सही बात है। तो अभी हम कुछ क्राफ्ट करने वाले हैं, जैसे हमें फाउंडेशन चाहिए होंगी तो हम फाउंडेशन सर्च करते हैं यहाँ पे। तो गाइस सबसे पहले हम थैच की फाउंडेशन खोलेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम लकड़ी की भी वैसे खोल सकते हैं और मैं स्टोन की भी खोल सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो लेवल्स हैं ना वो मेरे अप हो चुके हैं, तो मैंने फाउंडेशंस खोल लिया है। तो अब मुझे वॉल खोलनी पड़ेगी, फाउंडेशन पे वॉल लगती है, तो फाउंडेशन पे थैच की वॉल खोल लेता हूँ। ओके और लकड़ी की वॉल भी खोल लेता हूँ, और उसके अलावा स्टोन वॉल भी खोल लेता हूँ मैं, है ना। वैसे मेरा लेवल काफ़ी अच्छा हो चुका है, मैं खोल सकता हूँ चीज़ें, बट हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है अभी, तो रिसोर्सेस के लिए मुझे जाना पड़ेगा इधर उधर। तो फिलहाल हम देखते हैं कि हम कितने फाउंडेशंस बना सकते हैं। ओके मैं स्टोन का फाउंडेशंस भी बना सकता हूँ, बट अभी के लिए यार मैं वुड का बनाता हूँ, वुड के फाउंडेशंस बहुत अच्छे होते हैं। वैसे यार मुझे स्टोन का ही फाउंडेशन बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो एनिमल्स है ना, अच्छा अभी एक ही फाउंडेशन बन सकता था, चलो कोई नहीं एक ही बना लेते हैं। चलो अभी हमें बनाना है एक्स, और एक्स के लिए चाहिए मुझे फ्लिंट, तो फ्लिंट मुझे इससे मिल जाएगा, बस पत्थर तोड़ने लग जाओ। और मैं FPP में आके पत्थर तोड़ता हूँ तो यार कितना अच्छा लगता है, देख रहे हो, वाह। लेकिन हम TPP में तोड़ेंगे और भी अच्छा लगता है। तो भाई साहब पत्थर तोड़ रहा हूँ मैं, और मुझे देख रहे हो आप लेफ्ट साइड में कितना सारा फ्लिंट मिला है, 450 फ्लिंट हो गया है मेरे पास। तो मैं एक अपना हैचेट भी बना लेता हूँ। तो हैचेट से ये है गाइस, हैचेट से ना, हैचेट से अगर ये पत्थर तोड़ोगे ना, तो देखो अभी मुझे फ्लिंट ज़्यादा मिलेंगे और पत्थर कम मिलेंगे, देख रहे हो 150 फ्लिंट और मतलब फ्लिंटी बहुत ज़्यादा मिले और सिर्फ 50 स्टोन मिले। और यही चीज़ मैं अगर एक्स के साथ करता हूँ ना, तो इसका उल्टा होगा कि मुझे स्टोन ज़्यादा मिलेंगे और फ्लिंट कम मिलेंगे। देखो स्टोन मुझे मिले 150 और फ्लिंट मिले मुझे 50 सिर्फ। तो ये एक तरीका होता है हैचेट और एक्स का यूज़, ठीक है। तो अभी हम फाउंडेशंस बनाते हैं। ओके मुझे वुड की ज़रूरत और पड़ेगी, तो वुड चाहिए होगी भाई। तो ऐसे ही हम अगर एक्स से पेड़ को तोड़ते हैं तो हमें वुड ज़्यादा मिलता है, और पिकेक्स से तोड़ेंगे तो शायद हमें थैच ज़्यादा मिलेगा। ओ भाई क्या लंबी जंप मारी इसने। अब देखो मैं एक्स से तोड़ रहा हूँ तो मुझे थैच ज़्यादा मिल रहा है, वुड कम मिलेगा। तो भाई इसमें अलग अलग टूल्स होते हैं और उन टूल्स का अलग अलग यूसेज होता है, और उसी हिसाब से ये गेम डेवलप है। तो बहुत सारे अनलिमिटेड टूल्स है गाइस, जिसमें आप देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे, बहुत तगड़े तगड़े टूल्स है इसमें, और उन टूल्स का यूजेस बहुत डिफरेंट है, और वो डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ होता है और डिफरेंट मैप में यूज़ होता है। मतलब इसमें मैप भी है, इसमें उड़ने वाले जेट पैक वगैरह सब मिलते हैं भाई, बहुत मज़ा आएगा आने वाले टाइम में इस गेम को देखेंगे हम, बहुत अच्छी गेम है और ये सर्वर भी बहुत अच्छा है। सो गाइस मैंने थोड़े से फाउंडेशंस बना लिए हैं,
7 foundations और मेरे पास 20 walls हैं, और मुझे पत्थर तोड़ते वक्त गाइस थोड़ा सा metal भी मिल गया, तो भाई ये तो और अच्छी बात हो गई, सोने पे सुहागा। तो अभी जाते हैं और अपना घर को ना कंप्लीट करते हैं, और हमें एक बेड भी लगाना है। अगर हमने बेड नहीं लगाया ना, अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मैं रैंडम जो है स्पॉन हो जाऊँगा, और जो कि मैं नहीं होना चाहता। तो फिलहाल मैं इतना ही बड़ा घर बनाऊँगा क्योंकि हमारे पास वॉल्स भी कम है, तो वैसे मैं वॉल्स और बना सकता हूँ बट अभी के लिए इतना ही। तो फिलहाल मैं गाइज यहाँ पर अपना काम चलाऊ सा घर बनाने वाला हूँ, तो मुझे एक रैंप बनाना पड़ेगा, तो चलो रैंप बनाते हैं। तो मैं स्टोन का ही रैंप खोल लेता हूँ, अब जब स्टोन की चीज़ें खुल रही है तो निकाल लेता हूँ। तो गाइज हमारा घर का ढांचा जो है वो एक तरह से कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके ऊपर हमें लगानी पड़ेगी सीलिंग। तो सीलिंग ओपन करते हैं, तो हमें दो चीज़ों की जरूरत, तीन चीज़ों की ज़रूरत है। सीलिंग, सीलिंग की स्पेलिंग क्या होती है भाई? अच्छा, सीलिंग की स्पेलिंग होता है CEI। ये रही सीलिंग। तो फिलहाल के लिए हम एक लकड़ी का डोर फ्रेम बनाते हैं और एक लकड़ी का ही दरवाज़ा बनाएंगे, है ना। दोनों चीज़ें लकड़ी की होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर हम ये स्टोन वाला भी बना सकते हैं डोर, है ना। हम इन गाइस इन सीलिंग्स को, रैंप को ना, इसको प्लेन भी कर सकते हैं, और इसको ना यहाँ से अब स्टेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यार ये फीचर अच्छा है, और ये गलत सीलिंग लग गई थी तो इसको उतार लेता हूँ मैं। पिकअप करना है, डेमोलिश नहीं करना भाई। और गाइज हमारा छोटा मोटा घर बन चुका है, अब बस हमें इस घर को थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना है। तो यहाँ लगेगा हमारा डोर ऐसे करके, और अब लग जाएगा डोर फ्रेम। चलो ये लग गया। और गाइज मुझे लगता है एक बार मुझे गेम रीस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं बेड नहीं बना पा रहा हूँ। आई डोंट नो मैं बेड क्यों नहीं बना पा रहा। और थोड़ी सी देर में मिलते हैं, और जब तक के लिए गाइज, अच्छा मुझे लगता है मुझे किसी को मारना पड़ेगा जब तक मुझे हाइड नहीं मिलेगी ना, जब तक मुझे बेड भी नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आई डोंट नो, इसमें एक बोला होता है, हम बोला बना लेते हैं। वैसे यार बोला भी अभी बन नहीं पाया क्योंकि बोला तो बनता है उससे। ओके डैमेज अच्छा था मगर, अरे यार ये फंस गया इसके मुंह में भाई, कैसे इसको मारूं कैसे अब। अच्छा मैं इससे मारता हूँ, क्या मैं मार सकता हूँ इसको? अरे यार ओके मर गया, बहुत बढ़िया। तो गाइस मुझे हाइड मिल रही है लेफ्ट साइड में, आप देख सकते हो। तो भाई मुझे हाइड भी मिल गया और मेरा स्पेयर भी मिल गया, बहुत बढ़िया। अभी आई थिंक मैं बेड खोल सकता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ बेड खोलने की। भाई अभी भी बेड नहीं खुल रहा है, आई डोंट नो क्या क्यों नहीं खुल रहा। तो ऐसा करते हैं भाई, अब हम एक बार गेम को रीस्टार्ट ही कर लेते हैं। सो गाइज मैंने डिसाइड किया कि मैं अब बेड वगैरह बाद में बनाऊंगा क्योंकि यहाँ पे कोई इतना बड़ा वाइल्ड डाइनो नहीं है, तो मुझे मरने का इतना कोई ज़्यादा डर नहीं है इसमें। तो अभी मैं पहले क्या बनाऊंगा, मैं पहले घर को जो इम्प्रूव करने वाला हूँ, और मैं घर आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी क्या क्या बनाया है। और उससे पहले यार थोड़ा सा मैं यहाँ से वुड और थैच लेके जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार ना आना पड़े। तो फिलहाल गाइस मेरा जो है ये सीलिंग लगाना बाकी रह गया है, और मैं सीलिंग अभी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब अपने को जो है अभी इसको कवर करना है ऊपर से, और मैं यूज़ कर रहा हूँ थैच की सीलिंग्स। अब भाई थैच का सीलिंग्स इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अपने को जो है ना थोड़ा सा ये इसका एक जुगाड़ बिठाना है बढ़िया से। अरे यार ये मैंने ये वाला सीलिंग बनाना था, स्लोप्ड बनाने थे, मैंने ये सीलिंग बना दिया। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो ये भी लगेगा, ये यहाँ पे लग सकता है। ओके नॉट बैड। तो गाइज हमारा ये कंप्लीट हो गया है, बस हमें ऊपर से सीलिंग और बैठानी है इसमें।
और हमारा काम हो जाएगा। तो हम ये वाला सीलिंग अभी के लिए बैठा सकते हैं इसमें, तो ये हम कुछ इस तरीके से बिठाएंगे तो ये परफेक्टली मैच हो जाएगा इसमें। और भाई घर भी अच्छा लग रहा है देखने में यार। मैंने थैच की सीलिंग्स इसमें इसलिए दिए क्योंकि यार ये थैच है ना, इसका फील ही अलग है थैच का, सच बताऊँ तो, है ना। मतलब अच्छा लगता है यार थैच देखने में, बहुत बढ़िया लगता है, देख रहे हो क्या मस्त लग रहा है। तो हमारा बस एक वॉल लगेगी पीछे ऐसे करके, और ये तो आई थिंक लगभग, अबे मैं नीचे गिर गया। तो गाइज मुझे लगता है हमें टॉर्च वगैरह भी लगाना पड़ेगा भाई घर के अंदर, तभी जो है थोड़ा रोशनी आएगा घर में। तो गाइज घर हमारा ऑलमोस्ट बन गया है, और यहाँ से मैंने ये खाली रखा है क्योंकि जब हम डायनोस लेके आएंगे उड़ने वाले तो हम यहाँ से अंदर लेके जाएंगे उनको और यहाँ बैठा देंगे। और उसके अलावा थोड़ी सी और चीज़ें लगानी पड़ेगी इसमें। थोड़ा अंधेरा हो गया यार, तो अभी थोड़ा सा दिन हो गया होगा क्योंकि मैंने जो ब्राइटनेस जो है इसका बढ़ा दिया है गेम का। और यहाँ पे हम बनाते हैं थोड़ा सा फैंस, बनाते हैं फैंस, है ना, ऐसी 5-6 फैंस बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं ओके, क्योंकि सामान हमारे पास कम है तो 4 फैंस बना लेते हैं हम। और ये चारों फैंस मैं यहाँ लगाने वाला हूँ ये इधर से, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए हमारा ये बढ़िया से एकदम ओके। एक कम रह गई तो ये भी बना लेते हैं, बन गई तो वेरी गुड। तो भाई अभी ये बढ़िया लग रहा है, ऊपर आने जाने में अब हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली ऐसे करके। हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और यहाँ से जो ठंडी ठंडी हवा और नज़ारे का जो है एकदम भरपूर आनंद जो है ले सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। और आप हमारा घर देख सकते हो भाई कितना अच्छा लग रहा है दूर से, एकदम परफेक्ट घर है। और ये नीचे कहीं को जा रहा है, और ऊपर से भी आप देख सकते हो यार कितना बढ़िया बना है। बस हमें इसके अंदर थोड़े से चेंजेसेस करने पड़ेंगे और वो फिर ये और भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अभी क्या करते हैं हम इसमें एक दो चेंजेस और कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने एक लगाया है फायरप्लेस, और इसमें हम ऐसे अगर इसको एक्सेस करेंगे ना और इसमें वुड डालते हैं तो हम इसमें जो है ऐसे फायर डाल सकते हैं जो कि देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये बाहर से भी दिखेगा आई थिंक, बाहर से वैसे दिखना तो चाहिए ओके, ये बाहर से दिख भी रहा है यार, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ऊपर से धुआं निकलते हुए, एक नंबर भाई साहब बहुत बढ़िया, देख रहे हो कितना बढ़िया लग रहा है एक नंबर। तो गाइस ये था हमारा घर यार, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर भाई पसंद आया तो प्लीज़ लाइक वाइक ठोक दो, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ टेमिंग वेमिंग करेंगे। और गाइज मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि भाई हम क्या टेमिंग करें, मतलब आप लोग क्या बोलते हो कि भाई फ्लायर से स्टार्ट किया जाए या कुछ ऐसी चीज़ से हम स्टार्ट करें टेमिंग वेमिंग जो कि हमें मदद करेगी फार्मिंग में, या फिर आप चाहते हो कि कुछ अच्छा सा टेम करें। तो यार आप कमेंट में ज़रूर लिखें कि हम क्या टेम करें। और तो गाइज ऐसे ही मिलते रहेंगे हम आप लोगों से बढ़िया बढ़िया सी वीडियोस के साथ। आर्क सर्वाइवल वर्ल्ड की सीरीज़ भी गाइज हमने स्टार्ट कर दी है, साथ के साथ हम अपना माइनक्राफ्ट की सीरीज़ को भी कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे उसमें भी हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो गाइज आपके कंटिन्यू सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो एक बैक फ्लिप के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय गाइज, टेक केयर, सी द नेक्स्ट वीडियो एंड चाओ चाओ।